हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आज संडे और फंडे है और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का। ऐसा चार बार हुआ है काफी सालों में कि इंडिया चार बार गई है फाइनल में, दो जिसमें से दो बार जीत चुकी है, तो चौथा टाइम है। तो आई होप सो इस बार भी जीत जाए। हाँ भाई हाँ, फिर आज तो मैच है, आप भी एक्साइटेड हो, आप देखोगे ना आज कौन जीतेगा। इंडिया। हाँ तो इंडिया जीतेगी, मंच सेट है। अभी बज रहे हैं 12, तो 2 बजे से आई थिंक स्टार्ट है। और अभी हमारे घर में ब्रेकफास्ट ही चल रहा है, वानी ब्रेकफास्ट बना रही है। संडे तो ऐसे ही होता है, ये लो मैगी चल रही है। फिर वानी पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न कोको ले आई, पड़ी है पॉपकॉर्न ले आते। हाँ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न ले आओ, सारी चीज ले आओ, ठीक है। ओ क्या हो गया? हाँ हाँ आपके पास भी आ रहा हूँ, देखो कैसे चिल्ला रहा है पीछे से। हाँ जी हाँ जी, मैच देखोगे आप? कौन जीतेगा कौन जीतेगा? वहां से चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है मेरे को गंदू। सो मैच देखेंगे यार, फटाफट एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज्यादा। बॉम्ब वगैरह भी ले आऊं मैं बहुत सारे, क्योंकि इंडिया जीतेगी तो फोड़ेंगे यार, ठीक है ना। हाँ मम्मी, फिर कौन जीतेगा आज? जीतेगी, हम क्यों किसी को जिताएंगे। वाह भाई वाह, हमारा इंडिया ही जीतना चाहिए। जोर से बोलो, अरे इंडिया जीतना चाहिए सालो। सो गाइज, आप लोगों ने भी पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब सजा लिए, बॉम्ब वॉम ले आओ, इंडिया जीतेगी जीतेगी। और सारी पार्टी वार्टी के लिए रेडी कर लो, बहुत सारी जगह पे चक्का जाम है, बाहर कोई भी नहीं दिखेगा मार्केट में बाहर घूमते हुए, तो ट्रैफिक भी नहीं होगा बिल्कुल भी। और चुप कर। और एक बात और बताऊं, मैं ना मैच वगैरह वैसे नॉर्मली देखता नहीं हूं, तो सेमीफाइनल देखा मैंने और अब ये फाइनल देखूंगा। अदरवाइज मैं मैच देखता नहीं, जब से सचिन रिटायर हुआ ना, आई हार्ट फैन हूं सचिन का, तो मैं देखता ही नहीं मैच, सही बताऊं। लेकिन आज है मौका, आज है मौका, टू बी वेरी फ्रैंक, आज एक ऐसा मौका है। और मुझे आए मतलब मैं मुझे क्या 2000% श्योरिटी है कि जीतेगी जीतेगी, क्योंकि इंडिया इस सीरीज में एक भी मैच नहीं हारी है। अच्छे मोमेंट साथ देखेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, सीटी हमारा के बम फोड़ेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, कोक पियेंगे, तो ब्लॉग में बने रहना। ओके, ये ना मैंने बम खरीद लिए सारे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के फाइनल मैच के लिए। अपनी भाई फुल शॉर्ट है, जीतेगी जीतेगी। इतने बम तो मैंने दिवाली के लिए नहीं खरीदे थे, इतने इसके लिए खरीद लिए। और इधर चवानी एडिटिंग करी है हैंड टू हैंड, ताकि व्लॉग हो जाए सेम टू सेम अपडेट। ओए होए, उनका नेशनल एंथम हो गया, अब हमारा आएगा। खड़े हो जाओ भाई, सारे खड़े हो जाओ। गूज बम है, गूज बम, सच्ची बता रहा हूं, गूज बम जा रहे मेरे को। ये पहला चक्का, ये पहला पहला पा, यो ऐसा फोड़ देंगे। खेल रहा क्या कर रहा है यार, पता नहीं यार, आउट ऑफ बनता ही नहीं था यार। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी 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 हमारे हाथ में, अभी हमारे हाथ में 3 चौके, कोई नहीं, हमारी विकेट चली गई तो है ना भाभी का। 3 बाउंड्रीज मारी हमने। रोहित शर्मा आउट हो गया बाबू, रोहित शर्मा आउट हो गया, ऑलरेडी 10 रन थे यार। मानी रोहित शर्मा भी आउट हो गया, सही बता रहा हूँ यार। 72 पे 2 विकेट हो गई हमारी। बताओ हम लोग फैन टू एंड एडिट कर रहे हैं यार, ये तो मूड खराब करने वाली बात हो गई ना। शिट मैन, अभी तो विराट है, उम्मीद है। गाइस 3 विकेटों के बाद ना थोड़ा सा 50-50 चांस हो रहे हैं, इसलिए वहां पर तो ब्रेक चल रही है, फूड ब्रेक, तो हम भी अब ब्रेक कर लेते हैं। मैंने भी कुछ बाहर से मंगा लिया, तो थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे तो थोड़ा सा माइंड चिल होगा। ये मंगा लिया मैंने, जैपनीज फूड मंगाया एज यूजुअल, थोड़ा सा हैप्पी फील करने के लिए। मुंह क्यों उदास है आपका, मुंह क्यों लटका लिया आपने? अरे अभी कोहली बच्चा है भाई, जीत जाएगी ना मम्मी? ठीक है जीत जाएगी। ये रामेन है, ये नूडल्स है, सब यही खाएंगे, आप लोग भी खाओ यार, थोड़ा रेस्ट करो। हाँ वानी, अब कुछ पॉजिटिव लग रहा है? हाँ मुझे भी लग रहा है, आई होप सो, टच वुड है हो जाए। खाना वाना खाने में बिजी थे तो देख भी नहीं रहा था डर के। चलो 50 हुआ तब तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। सही बताऊं, अब ना मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया विराट कोहली के आउट होने के बाद, अब तो 50-50 हो गई चांसेस। अब आई होप सो कि सब चीजें ठीक हो। और इस चक्कर में ना क्या बताऊं, मतलब एक लॉस और भी हो गया, उस पर अलग से व्लॉग बनाऊंगा यार। मूड खराब है मेरा, बहुत ज्यादा मूड खराब है बाबू। विराट कोहली आउट हो गया, अब क्या होएगा यार? मैच ना बहुत स्लो हो गया, मतलब जडेजा की विकेट के बाद तो खत्म सा लग रहा है मामला। बाकी अभी 40 ओवर हो गए हैं और अभी 10 ओवर बचे हैं, तो आई थिंक अगर हम लोग 250 से ऊपर पहुंच जाए तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे जीत के चांसेस हैं। बड़ा लेजी लेजी सा हो रहा है, टेंशन भी हो रही है, मूड भी खराब है। मानी हाँ जी, क्या लगता है? अभी तो यार 42% चांसेस हैं जीतने के। वो तो वहाँ बता रहे हैं, आपका मन क्या कह रहा है? मन तो है चलो जीत जाए। अरे उदास कैसे हो रही है वाने? चलो देखते हैं, लेट्स सी। पता है मैं रात को ना बहुत लेट सोया हूँ, मतलब सुबह ही सोया हूँ 7 बजे। 3 घंटे सोने के बावजूद भी मेरी एनर्जी बहुत मेंटेन थी। क्या हो गया? शोर में चारा, ये भी परेशान है, देखो पापा भी इंदिरा के बैठ गए, भाविका भी कलर कर रही है, भाविका ने भी मैच देखना छोड़ दिया, वानी अपना एडिटिंग में लग गई, सबने मैच देखना छोड़ दिया। होप है अभी, फील्डिंग है हमारे हाथ में वानी, डरना नहीं है, अभी शामी है, बुमराह है, समझ गया? ठीक है बाबू, मम्मी आप सो क्यों गए? आप इतनी मतलब दुखी हो गए बैटिंग से, सारे आउट हो गए इसलिए? तेरा मजा ही नहीं आ रहा, तो आप सो जाओगे, इंडिया का साथ छोड़ दोगे? क्या करूं, इंडिया का साथ क्यों छोड़ूं भैया, दिल धक 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 करता है। अभी फील्डिंग है, अभी फील्डिंग है हमारी। पूरे वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ऑल आउट हुई है। 241 का टारगेट इज गुड, अगर बॉलिंग अच्छी रही तो। सो आपको क्या लग रहा है, आप बताओ ना कौन जीतेगा? देखा नहीं,
आप बताओ मम्मी। इंडिया इंडिया। चलो भाई मम्मी सो के उठिए। बॉलर अच्छे हैं, बॉलर बॉलर नहीं बॉलर। पापा मेरी बात सुनो। हाँ भाई कौन जीतेगा? ध्यान से खेलेंगे तो जीत ही जाएंगे। क्वेश्चन पूछो। जो इंडिया में बैटर है। इंडिया हो गई 240 पे ऑल आउट। अच्छा हाँ तो अब 241 का टारगेट है। अगर देखो वो बॉलर्स अच्छे हैं, बॉलिंग लाइन अटैकिंग है, तो अब देखते क्या होता है। अभी तो रेस्ट चल रहा है। पापा वैसे जो इंडिया में बैटर है वो कौन कौन से हार गए? सब आउट हो गए, सब आउट हो गए, ऑल आउट हुआ। पहली बार हुआ है। और पता है मुझे ना उम्मीद नहीं थी कि 240 भी बनेंगे जिस हिसाब से सब आउट हुए हैं, बट एंड में 10 ओवर में बेचारों ने टुक 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 कर करके खींच ही दिए। और अभी चौका मारा है बताओ बॉलर ने, कुलदीप ने। हैट्स ऑफ। दिल थाम के बैठिए, सारी उम्मीदें बुमराह पे, शामी पे, जड्डू पे, देखते हैं। लेट्स सी। वाणी की स्पीड ऐसी हो रही है, कटिंग में देख रहे हो, कट सीधा, गट ये लो गट। ये इतनी स्पीड तो मेरी भी नहीं थी जब मैं एडिटिंग करता था। अरे ट्रेंड हो गई वाणी, अच्छा सिखा दिया मैं तेरे को। वहाँ तो ब्रेक चल रहा है तो कम से कम मानी एडिटिंग पे फटाफट फटाफट फोकस कर रही है, नहीं देख रही सिर्फ एडिटिंग में लगी है फटाफट फटाफट। और ऊपर से स्कोर भी इतना कम हो गया वानी, ऐसा ना तेरी मेहनत खराब हो जाए। लेकिन हाँ लेकिन अब कंटेंट भी जरूरी है। और उजर वीडियो कौन है, क्या कर रही है? पता अभी स्टार्ट हुआ है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, रोहित शर्मा की एंट्री ने बिल्कुल स्माइल पास। सो दिल थाम के बैठे दोस्तों। विराट ने कैच छोड़ दिया यार, पहले बॉल पे चौका हो गया। विराट कैच ले सकता था आई थिंक सो। चलो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होगा। भाई साहब आउट हो गया, आउट हो गया भाई साहब, पहला प्लेयर आउट हुआ है। दो तीन पंद्रह पे वानी आउट हो गया, वानी आउट हो गया, पहला प्लेयर। ओ मोहम्मद शामी ने ले ली विकेट। बढ़िया। हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे हाथ दे, या फोड़ देगा साड़ा। ओ बेटा हाँ जीता देगा मेरे बब्बू। ठीक है ऐसे चिल्लाएंगे दोनों बाप बेटा। ठीक है एनर्जी चेंज हो गई यार, एक विकेट आते ही है ना। भागा तुम्हारी ऐसी कम तैसी, छोड़ दिया एक और विकेट। चालीस पे दो। बम फोड़ेगा बम। थर्ड विकेट स्मिथ की गई भाई साहब, गई थर्ड विकेट भी गई वानी फिर। यस कैसे उछल कन्ना कर ला गाड़ी टिक्के चक्कर में सुबह से मुंह तक नहीं धोया। मैं नहाया भी नहीं हूँ सुबह से, मैंने मुंह भी नहीं धोया, मैंने ब्रश भी नहीं किया। हे भगवान मजा आ गया भाई, थर्ड विकेट भी गई। अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमारी जीत पक्की है। ये तो हमारे से पहले लोग खड़ रहे हैं यार, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, दिखा नहीं सकता। तो प्लीज यार मतलब मैं ज्यादा सीन नहीं दिखा सकता। काफी देर हो गई कोई विकेट नहीं गई है, टुक टुक करके रन भी ले रहे हैं, अब तो छक्का भी मार दिया। जल्दी एक विकेट चाहिए भाई, स्पिनर जब से है तब से एक भी विकेट नहीं गई, फास्ट बॉलर थे तब से विकेट गई। 87 पे 3 है वानी, विकेट नहीं जा रही और तू एडिट भी नहीं कर रही और मेरे बच्चों को नींद भी आई है। हेड की विकेट लेना बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब हेड प्लेयर है। लड़कियों को कुछ नहीं बताना। आए आए हेड की विकेट लेना बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया। टिक गया, 40 रन बना लिया उसने। और 43 पे हमारे थे 3 विकेट और अभी भी ऑलमोस्ट 100 होने वाले हैं, अभी भी 3 ही है। चलो लेट्स सी देखते हैं। ये तो उम्मीद ही छोड़ दिया है। हाँ बाबू कोई नहीं चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 110 बोलो पे कितना, 110 बची है ना। मैं इतने सारे बम भी ले आया था यार। चलो कोई नहीं यार, परफॉर्मेंस तो अच्छा था इंडिया का, बट आई डोंट नो फाइनल में प्रेशर में क्या हो जाता पता नहीं। यहाँ पर मुझे धोनी की याद आ रही है, मिस्टर कूल। मतलब मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है यार, क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। हार गए बट टीम का साथ तो देना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म किया, सबने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। देखे यार जानबूझ के तो कोई हारता नहीं है, उनकी जगह पर अगर आप अपने आप को रख के देखोगे तो सोचो उनको कितना खराब लग रहा होगा। तो इस टाइम हमें ना टीम इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और यू नो उनको डीमोटिवेट नहीं करो। एक तो प्लीज़ ये जो मेम्स बना रहे हैं ना गंदे, तो प्लीज़ टीम इंडिया के लिए बिल्कुल मत बनाना यार। कितना खराब लगता होगा उस खिलाड़ी को जो पूरे 4 साल मेहनत करता है इस दिन के लिए, हमसे ज़्यादा खराब लगता है शायद। ठीक है आज के लिए इतना ही, शब्बा खैर बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय। हंस के बना बाय कर रहे हो, नाटक बात नहीं। ओ भाविका तो आपको क्या हो गया, कोई नहीं बाबू नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे। कोई नहीं हिम्मत नहीं हारते। ठीक है चलो कोई नहीं, अगेन थैंक्स टीम इंडिया।